नहीं। क्या हुआ साहब? चलिए ठीक है, मैं आपके लिए फल काट के लाऊं, बादाम का शरबत लाऊं? क्या बात है, आज तो बहुत खातिर कर रही हूँ, यही कहना चाहते ना आप? जाइए, आप तो कभी मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाएंगे। जान हथेली पर भी रख दो ना, तब भी आप उसे देखकर यही कहेंगे, प्रोमिला ये तुम्हारी ही जान है। उम्र गला दी मैंने आपके दिल में जगह पाने के लिए, पर आपके दिल का दरवाजा हमेशा बंद ही मिला है मुझे। प्रोमिला, मैं जानता हूँ कि तुम हमें चाहती हो, लेकिन इतना चाहती हो ये अजीब अलग है। चलिए, लकड़ियों की सेज पे डालने से पहले आपको पता तो चल गया कि प्रोमिला से ज्यादा आपको कोई नहीं चाह सकता। हाँ प्रोमिला, ये तो सच है, तुम्हारे अलावा और कौन मेरे लिए किसी को मौत की नींद सुला सकता है। खतरों से खेलने का शौक तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं साहिब? ना समझ प्रोमिला, मेरे साथ इतने सालों तक तो रह नहीं सकती थी। मैं जो कह रहा हूँ वो तुम समझ रही हो। मधु को जहर का तोहफा किसने दिया था? मुझे आपकी कसम, जो मैं झूठ बोलूं, मैंने उसे जहर नहीं दिया। तो फिर ये क्या? हमारे लिए मधु शहद या मधु के लिए जहर? मैं क्या जाऊं, ये क्या है? और आप? शेर की माद में बैठकर शायरी सुनने का शौक नहीं है हमें। तुम जब कुछ नहीं जानती तो फिर ये तुम्हारी अलमारी में ये जहर की शीशी कहां से आई? मैं सच कहती हूँ साहब, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। विश्वास? पर तुम्हारा प्रॉब्लम ठीक है, मैं तुम्हारा पति हूं इसलिए विश्वास कर लूंगा। पुलिस प्रोमिला, पुलिस तो तुम्हारी रिश्तेदार नहीं है ना? उसको ये कैसे समझाओगी कि तुमने मधु को जहर नहीं दिया था? सोचो। अरे आओ भाई प्रीतु, तुम्हारा बिस्तर तैयार है। थैंक यू मास्टर जी, अगर आप नहीं होते तो मुझे आज वापस जाना पड़ता। एक तो हाथ टूटा है, ऊपर से पेट खराब। क्या बात कर रहे हो प्रीतु, बल्कि सविता जी के आने के बाद भी तुम यहीं रहो। गांव का माहौल है, लड़के लड़की की दोस्ती यहाँ पर, तुम समझ रहे हो ना? पर एक बात बताइए, क्या गांव में सिर्फ आपके घर में ही शौचालय है? नहीं, और भी हैं, पर हर घर में नहीं है। तो मैनेज कैसे करते हैं? मेरा तो एक दिन में ही बुरा हाल हो गया। मैनेज करना पड़ता है प्रीतु, यहाँ गांव में लोगों के लिए शौचालय ना होने से भी बड़ी मुश्किलें हैं। गरीबी एक ऐसी मजबूरी है कि कई मुश्किलों से समझौता करवा देती है। पर लाइफ तो यहाँ गांव में है, शहर में एसी की हवा में सो सोकर मुझे तो ऐसा लगता था जैसे कि असली हवा तो चलनी ही बंद हो गई। कितनी शांति है यहाँ। मैं भी जब शहर गया था पढ़ने के लिए तो ये गांव की रातें, ठंडी हवा, पक्षियों की आवाजें बहुत याद करता था। और क्या क्या याद करते थे आप मास्टर जी? और ये तारे शहर में ये सब कहाँ दिखते हैं? दिखती हैं तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग। सही कह रहे हैं आप, कई बार तो मैं अपने सामने वाली बिल्डिंग की बैल्कनी में बैठे कुत्ते को देखते देखते सोया हूं। अच्छा एक बात बताइए, आप शहर में कितने साल तक रहे? 16 साल।
शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ता था मैं। काफी नाम था हमारे स्कूल का। पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, स्कॉलरशिप मिल गई, फिर कॉलेज भी वहीं से किया। और अरे आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले मास्टर जी। एक बात बताइए कि शहर में इतना पढ़ने लिखने के बाद आप वापस गांव में क्यों आ गए? गांव तो मैं वापस हमेशा ही आना चाहता था प्रीतु, पर ऐसे आने की वजह बोलिए ना, क्या हुआ वापस आने की वजह? थे कुछ कारण प्रीतु। कारण कहीं दिल तो नहीं था मास्टर जी? चलिए अगर आप हमें नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, कम से कम इन तारों को तो बता दीजिए। किसी के साथ रहने की ख्वाहिश खींच लाई आपको। हाँ ठीक लड़की। पर वो गांव में नहीं शहर में रहती थी। तो आप उससे दूर जाना चाहते थे। दिल टूटने की आवाज मेरे दिल तक भी पहुंच गई मास्टर जी, अब मैं सब समझ सकता हूं। मास्टर जी आप इसलिए गांव वापस आ गए कि उस लड़की ने आपका दिल तोड़ दिया था? कुछ ऐसा ही समझ लो। पर मैं गांव इसलिए वापस नहीं आया क्योंकि हमारी दोस्ती खत्म होगी, बल्कि हमारी दोस्ती इसलिए खत्म होगी क्योंकि मैं गांव वापस आना चाहता था। वाह वैना, तू तो पक्की खिलाड़ी निकली। सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी। ये क्या बकवास कर रहा है तू? अच्छा बहना, अब मेरी बात तुझे बकवास लगने लगी? देख बहना, हम दोनों की रगों में खून नहीं जहर दौड़ता है, वो भी एक साथ। मैं जानता हूं तू कांता को घेर रही है मधु का श्राद्ध करने के लिए, पर अरे तो समझता क्यों नहीं, मैंने नहीं मारा शिपकली को। क्या क्या बोल रही है तू? अरे मुझे तो लगा कि तूने निपटा डाला उसे, पर वो शहर के सीसी मेरी अलमारी में क्यों छोड़ा है और तेरे जीजे मुझ पर? क्या बोल रही है तू? कौन सी शीशी? मुझे तो उसको नापने का मौका नहीं मिला। मैं तो सोच रहा था कि मैं नहीं कर पाया तो मेरी बहना ने उसका शिकार कर डाला। अगर तुमने उसे ठिकाने नहीं लगाया और मैंने भी नहीं तो कोई और है बहना इस शिकार का शिकारी। तो वो है शिकारी। कौन? परवीन? नहीं नहीं, ये सब वो नहीं कर सकता। वो तो बस वही कर रहा है जो वो कर सकता है। झूठ बोल रहा है हमारा राजकुमार, अब हमसे खेल रहा है तुम्हारा भांज। तो वो अभी जिंदा है। अब पहेली सुलझाइए तुम्हारी बहन रोमिला ने। तेरी खुराक तो पूरी हो गई ना करमजली, इसकी खुराक की फिक्र तू ना कर। बस सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। हमारे बाबूजी ने जब हमें चाबी सौंपी थी तो हमें लगा था कि जैसे हम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं।